अग्निपथ की आग अभी भी शांत होती नजर नहीं आ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। युवा सड़क पर है। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक और एक बस को आग लगा दी। वहीं हिंसा की और स्कीम को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की सेना में भर्ती वाली अग्निपथ योजना को लेकर तंज कसा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह योजना इतनी ही अच्छी है तो विधायकों और सांसदों के बच्चों के लिए भी नियम बनाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने अपने अधिकारी हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा और लिखा कि अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो नियम बना दो। देश भर में हर MLA MP के बच्चों 17 साल के होते ही सबसे पहले इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे और हर युवा को हक है कि सेना में शामिल होकर देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करे। पर आज BJP इस हक से उनको वंचित कर रही है। देश भर में हो रहे प्रदर्शन साफ प्रमाण है कि भारत के युवाओं अग्निपथ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी नीति या कानून देश की सेवा से जुनून से बढ़कर नहीं हो सकता। वहीं इस बयान के बाद BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक पार्टी के दफ्तर को जलाया गया लेकिन प्रशासन मौन रहा। इससे साफ है कि टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधपुरा में BJP कार्यालय को जलाया गया लेकिन 300 पुलिसकर्मी मूक दर्शन बनकर देखते रहे और जो बिहार में हो रहा है वो पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। तो आपका क्या कहना है इन बयानों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।